हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस एट श्रीराम कॉलेज 17 आरबी राइसिंग नगर. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फेमस पोएम द टाइगर एंड द डियर व्हिच इज कंपोज्ड बाय श्री अरबिंदो. ओके, श्री अरबिंदो के द्वारा कंपोज की गई एक बहुत ही फेमस पोएम है जो आपके बीए बीएड थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर है. इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. इसको हम दो पार्ट्स में पूरा करने वाले हैं. ओके, आज का जो लेक्चर फर्स्ट है इसके अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस पोएम के जो लिखने के बैकग्राउंड में मोटो क्या था श्री अरबिंदो का. श्री अरबिंदो क्या इसको डिफाइन कैसे डिफाइन करना चाहते हैं, क्या वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्या हम एक मॉरल मैसेज देना चाहते हैं. इट इज़ अ टिपिकली डायडेक्टिक पोएम. ये एक डायडेक्टिक पोएम है, मतलब ये एक एजुकेशनल टाइप ऑफ पोएम है. ये हमें कुछ मैसेज दे रही है, एक मॉरल मैसेज हमारे लिए छोड़ती है. और थोड़ा सा इस पोएम के बारे में आपको एक मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि आपने एक पोएम पढ़ी है विलियम ब्लेक की द टाइगर. ओके, अब उस पोएम के अंदर भी कुछ वैसा ही लगता है कि जैसे एक लैम्ब होता है, एक मेमना होता है और टाइगर उसको मार देता है. वो जो लैम्ब है वो इनोसेंस का सिंबल है और जो टाइगर है वो एक्सपीरियंस का, या आप ये कहें कि थोड़ा वॉयलेंस का वो सिंबल है. कुछ उसी तरीके की पोइम आपको लगेगी ये. श्री अरबिंदो टाइगर को तो वैसे ही डिफाइन कर रहे हैं वो जैसे कि एक वायलेंट क्रिएचर होता है, और यहाँ पे लैम की जगह वो जैसे एक डियर को यूज कर रहे हैं. ओके, तो ये भी अपने देखेंगे कि क्या ये एक इमिटेशन है विलियम ब्लेक की या श्री अरबिंदो का अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस पोइम के अंदर. ओके, तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं. श्री अरबिंदो का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपने लेते हैं. श्री अरबिंदो बॉर्न ऑन 15 अगस्त 1872 कोलकाता, यानी कि ब्रिटिश इंडिया एम्पायर था जब ना उस समय ये इनका जन्म हुआ था. राइट नाउ तो ये कलकत्ता है, उस समय कोलकाता बोला जाता था. डाइड ऑन 5 दिसंबर 1950. जो पुडुचेरी जगह है ना इंडिया के अंदर जिसको पांडिचेरी भी बोला जाता है, तो वहां पर इनका इनकी डेथ हो गई थी. श्री अरबिंदो वॉज एन इंडियन फिलोसफर. ये एक इंडियन फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, योगी. योगी आप जानते हैं कि योगा वगैरह जो करते हैं जैसे. ओके, गुरु थे, पोएट एंड नेशनलिस्ट. ही जॉइन द इंडियन मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल. आपको मैंने पहले बता दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के टाइम पर ही इनका बर्थ हुआ था, तो उन्होंने जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट है उसको भी इन्होंने ज्वाइन किया था. फॉर अ वाइल वॉज वन ऑफ इट्स इन्फ्लुएंशियल लीडर्स एंड देन बिकम अ स्पिरिचुअल रिफॉर्मर. उस समय ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लीडर थे. लीडर, और बाद में स्पिरिचुअल रिफॉर्मर बन गए, यानी कि आध्यात्मिक एक सुधारक बन गए. ओके, इंट्रोड्यूसिंग हिज विजन्स ऑन ह्यूमन प्रोग्रेस एंड स्पिरिचुअल एवोल्यूशन. तो इन्होंने अपने जो विजन था अपना, इन्होंने उसको एक्सप्रेस किया ह्यूमन प्रोग्रेस को लेकर, जो हमारी प्रोग्रेस थी इंसान की, और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, और इन्होंने हमारा स्पिरिचुअल असेसमेंट किया. यानी कि आप देखते हैं जिस प्रकार से एक एक योगी होता है, एक योगी पुरुष होता है, वो अध्यात्म से जुड़ा होता है, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा होता है, तो वो किस टाइप की बातें करेगा? वो कुछ आध्यात्मिक बातें करेगा, सोल के बारे में बातें करेगा. ओके, तो उस टाइप का इन्होंने लिखा. अब कुछ अपने फेमस वर्क्स की अगर इनकी बात करें तो द डिवाइन लाइफ डिवाइन सॉरी सिंथेसिस ऑफ योगा है, सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल, एसेज ऑन द गीता, हाइमंस टू द मिस्टिक फायर, द सीक्रेट ऑफ वेदा, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, द मदर ऑन हिमसेल्फ. तो ये कुछ इनके फेमस वर्क रहे हैं. वैसे इनका 32 वॉल्यूम्स टोटल इनके पब्लिश हुए थे. ओके, तो इनको हम नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन के लिए. तो अब हम बात करेंगे ये जो हमारी पोइम है द टाइगर एंड द डियर, इसका जो हम आज पार्ट फर्स्ट करने वाले हैं. इसके अंदर आपको टेक्स्ट नहीं पढ़ाऊंगा मैं, टेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी. ओके, तो आज मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा कि इस पोइम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको पोइम पढ़ने में बहुत ज्यादा इजीनेस रहे. ओके, यहाँ पे पूरा नाम थोड़ा मिसप्रिंट है, डियर नहीं है, द टाइगर एंड द डियर है. इज अ शॉर्ट डायडेक्टिक पोइम. ये एक छोटी सी पोइम है, डायडेक्टिक है, यानी कि ये हमें एक मैसेज देती है. रिटन इन 1930 में इस पोइम को लिखा गया था, रिवाइज्ड इन 1942 के अंदर इसको रिवाइज किया गया फिर से. ओके, इट इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन गुड एंड इविल. ये पोइम है जो अच्छाई और बुराई के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट बनाया गया है. इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, ये मासूमियत और एक्सपीरियंस के बीच में कॉन्ट्रास्ट है. एंड लाइफ एंड डेथ, और जीवन और मृत्यु के बीच में, लाइफ एंड डेथ के बीच में कॉन्ट्रास्ट है. जनरली पीपल आर अफ्रेड ऑफ द टाइगर. सामान्यतः जो लोग हैं वो टाइगर से डरते हैं, दे हेट इट, वो सारे इससे नफरत करते हैं, बिकॉज इट इज रफ एंड डेंजरस, क्योंकि ये बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है. इन द पोइम द वर्ल्ड ऑफ टाइगर स्टैंड्स फॉर डेथ. इस पोइम के अंदर जो टाइगर है वो किस चीज का सिंबल है, वो डेथ का सिंबल है, डार्कनेस का, अंधेरे का सिंबल है, एंड एरोगेंस, घमंड का वो सिंबल है.
द इनोसेंट डियर, लेकिन जो डियर है वो इनोसेंट है, ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट, कि वो जंगल के तालाब से पानी पी रहा था. इट इज अनअवेयर ऑफ द टाइगर्स प्लान ऑफ अटैक, वो टाइगर के बारे में नहीं जानता कि इसकी क्या मतलब वो अटैक करने जा रहा है. ओके, द टाइगर क्रॉचेस स्लोली टू अटैक द डियर, वो धीरे धीरे धीमे कदमों से आता है उसकी ओर उस पर अटैक करने के लिए. द फायरस टाइगर हैज लिप्ड अप ओवर, वो उस पर छलांग लगा देता है द डियर एंड टॉर्न इट टू पीसेस, उसे मतलब टुकड़ों में आप कहें कि नष्ट कर देता है. द डियर डाइड पैथेटिकली, और वो बड़ी निर्दयता से वहां पे उसकी डेथ हो जाती है. तो टिपिकली ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किस्सा सुना रहे हैं हमें श्री अरबिंदो, ऐसा लग रहा है कोई कहानी सुना रहे कोई, है ना, इस तरीके से. आपको याद होगा तो ऐसी ही पोइम आपने अपने छोटी क्लासों में, टेंथ क्लासों में भी पढ़ी हुई है, टाइगर वाली, जिसके अंदर कि उसमें टाइगर है वो छिपके जंगल में बैठा रहता है. ओके, और जैसे ही कोई छोटा क्रिएचर है वो पानी पीने आता है तो उस पर वो अटैक करता है. टिपिकली आपको एक स्टोरी लग रही है ये, कोई ऐसा लग रहा है कि किस्सा सुना रहे कोई. द टाइगर एंड द डियर इज विदाउट एनी डाउट अ ब्लेकियन पोइम वेयर द लैम्बिश एलिमेंट हैज बीन कॉन्ट्रास्टेड विद द टाइगरली फेरोसिटी. अब टिपिकली ब्लेकियन पोइम में, आपको मैंने शुरू में ये बात क्लियर कर दी थी कि विलियम ब्लेक की जो द टाइगर पोइम थी उसके अंदर भी वो ऐसे कुछ बता रहे हैं. ओके, कि टाइगर बहुत ही डेंजरस एनिमल होता है और किस तरीके से वो लैम्ब को मारता है. तो ये उस तरीके की पोइम है, ऐसा लग रहा है कि श्री अरबिंदो इमिटेट कर रहे हैं उनको, नकल कर रहे हैं उनकी, ऐसा लग रहा है. ओके, तो उसके अंदर भी जो लैम्बिश एलिमेंट है यानी कि जो इनोसेंस है जो एक लैम्ब की मेमने की, वो टाइगर की फेरोसिटी से उसकी कंपैरिजन की गई है, सॉरी कंट्रास्ट किया गया. मैनी ग्रेट साधक, अब साधक यहाँ पे टिपिकल एक आप ये कहना कि इंडियन वर्ड लिया, हिंदी वाला शब्द लिया साधक. साधक मतलब जो साधना करते हैं, जो तप करते हैं, है ना, इस तरीके से, तो जो मेडिटेशन करते हैं. ऑफ इंडिया हैव डन साधना इन द मिडस्ट ऑफ इट ऑल डाउन द एजेस विच इट इज अबाउट हिडन फैक्ट. मतलब शुरू से ही जो इंडियन साधक हैं, जो साधु संत हैं, वो जंगलों में जाके साधना करते थे. ओके, द मिस्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ द क्रिएशन, और किस प्रकार से ये जो हमारा क्रिएशन है, जो हमारा यूनिवर्स है, इसके अंदर किस तरीके से ड्यूअलिटी है. ड्यूअलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसमें एक दोगलापन है, कि अगर अच्छी चीज बनी तो बुरी भी बनी है, जैसे लाइफ बने तो डेथ भी बनी है. ओके, इविल बने तो गुड भी है. तो इस तरीके से हाउ टू एक्सप्लेन इट, बड़ा डिफिकल्ट है कि इसको एक्सप्लेन कैसे करें. द पोइम कैन मेक मीनिंग इफ इट इज कंपेयर्ड विद ब्लेक्स द टाइगर एंड वी थिंक द ओनली बाय द इंग्लिश पोएट मोर ब्यूटिफुल देन दैट ऑफ अरबिंदो. अगर अपने इस पोइम की कंपैरिजन जब विलियम ब्लेक की द टाइगर पोइम से करते हैं ना, तभी अपने को ये समझ आ जाता है कि श्री अरबिंदो क्या कहना चाहते हैं. तो आप ये कह सकते हैं विलियम ब्लेक वाज द ओनली सिंगल पोएट ऑफ फॉरेन जिनकी पोइम बेटर देन अरबिंदो है. अरबिंदो ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस पोइम को डिफाइन किया है, हमें बता दिया किस तरीके से लाइफ और डेथ को सिंबॉलिक चीज तरीके से हमें उन्होंने एक्सप्रेस किया कि टाइगर इज द सिंबल ऑफ डेथ वेयर द डियर इज द सिंबल ऑफ इनोसेंस. ओके, तो श्री अरबिंदो के अलावा अगर कोई फॉरेन पोइट है, अगर कोई ब्रिटिश पोइट है, वो विलियम ब्लेक है जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस चीज को डिफाइन किया. आगे देखते हैं. द पोइम मे बी एन एनेक्डोट, ये पोइम शायद एक कोई किस्सा हो सकती है ऑफ इंडियन साधक, कोई किसी एक साधक के द्वारा जो मेडिटेशन करता है जंगलों में जाके, डूइंग साधना इन टू द सेक्युलेटेड डोमेन्स ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति की गोद में जाके साधना करता है, एंड द वाइल्ड और द माउंटेनियस रेंज, हो सकता है कि वो जंगलों में चला जाए या पहाड़ों में चला जाए. द पॉइंट वॉन्ट्स टू से दैट वट इज ब्लडी विल मीट इट्स एंड इन ब्लड. पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई खून खराबा करने वाला है तो उसका अंत भी खून खराबे में होता है. वट इट इज वाइल्ड माइल्ड विल रिमेन अप्रिशिएटेड अनटू द लास्ट, और जो बंदा माइल्ड है यानी कि जो अच्छे नेचर का इनोसेंस है, तो उसको अप्रिशिएबल तरीके से लास्ट में भी इनोसेंस ही मिलती है. बट हाउ टू स्ट्राइक द ड्यूअलिटी ऑफ द यूनिवर्स, द रूल ऑफ द जंगल, लेकिन जंगल के अंदर इस रूल को कैसे फॉलो किया जाए, क्योंकि जंगल के अंदर तो क्या होता है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, शेर ताकतवर है तो वो मेमने को मार देगा, टाइगर ताकतवर है तो वो डियर को मार देगा. द लॉ ऑफ द जंगल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन. जंगल का जो लॉ है, जंगल का लॉ हम मानव नेचर से, हम मानव सिविलाइजेशन से बहुत अलग है. द ब्रूट फोर्स टू इज एन एलिमेंट ऑफ नेचर, कि जो ताकत है, जंगली ताकत ही नेचर का एलिमेंट है जंगल के अंदर. शुरू में बताते हो कि जिसके बाद जितनी ताकत है वही जंगल का राजा है. ब्लडी बेस्टियल एंड फिड्स कंबाइनिंग विद द ऑनर एंड टेरर एलिमेंट. ओके, हॉरर, सॉरी, जितने भी कहता कि ताकतवर है, जंगली हैं, फायरस हैं, उन सभी को के पास में किसी से कंबाइन किया गया कि वो हॉरर के अंदर, उनके अंदर एलिमेंट है, टेरर के एलिमेंट है. यानी कि देखो यहाँ पे दोबारा फिर बताता हूँ, ये तीन चीजें हैं. देखो बेस्टिकल फायरस, कि जो भी चीज जिसके अंदर पशुत्व है, बेस्टिकल का मतलब कि जो जिसके अंदर जंगली ताकत है, तो
उसके अंदर आतंक भी होगा, हॉरर भी होगा, टेरर भी होगा उसके अंदर, उसके दोनों एलिमेंट होंगे। जैसे टाइगर, टाइगर क्या है, एक बहुत ही यू नो ताकतवर एक पशु है ना, जंगली पशु है, तो उसको देखते हुए, उसके आवाज सुनते ही हमारे अंदर क्या फीलिंग आती है, टेरर वाली है ना, आतंक वाली, कि हमें मार देगा इस टाइप का। फिर द टाइगर एंड द डियर इज रियली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोइम, ये बहुत ही अच्छी पोइम है श्री अरबिंदो के द्वारा, विच रिमाइंड अस ऑफ द ड्यूटी ऑफ नेचर एंड क्रिएशन। ये चीजें हमने बात कर चुके हैं, तो इसको आप इस तरीके से दे सकते हैं कि वही है कि संसार के अंदर दो तरीके का हमेशा चलता रहता है, दो तरीके की नेचर, एक तरफ इनोसेंस है, एक तरफ एक्सपीरियंस है, लाइफ और डेथ है। ओके, फिर ये कहता है कि इसमें आगे देखते हैं अपन, यहां पे देखिए, व्हाट द पर्पस, हाउ टू वेज ऑफ इट टू मैन एंड क्रिएचर्स, हु कैन से इट, नेचर ऑफ द सेम इज स्विफ्ट, फ्रेगाइल एंड कूल एंड काम, बट एट द टेमलेस स्विफ्ट एंड विंडी। यहां पे बात की गई कि नेचर है वो, नेचर स्विफ्ट भी है, नेचर आलस भी है उसके अंदर, कूलनेस भी है, कामनेस भी उसके अंदर, टेमनेस भी है। टेमनेस मतलब टेम वैसे होता है, आप ये कह सकते हैं ना कि थोड़ा उसके अंदर ढीलापन भी है, स्विफ्ट है, विंडी है, समटाइम्स प्लेसिड, बहुत बार नेचर आपको शांत दिखेगी, एंड समटाइम्स हॉरिफिक और नेचर की फिर भयानक भी लगेगी, टेम्पेस्टियस भी लगेगी, टेरिबल भी लगेगी। मतलब नेचर के अंदर आपको हर तरीके की चीज मिल जाएगी, कामनेस भी मिल जाएगी। आपने देखा होगा ना कि जब सर्दी की जब रात होती है तो सब कुछ एकदम शांत लगेगा आपको, आसमान में तारे चमक रहे हैं, धुंध पड़ी हुई है, लेकिन वही गर्मी के अंदर जब एक तूफान आता है, ओके, एक डस्ट स्टॉर्म आता है, तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। तो नेचर में आपको हर चीज मिलेगी। द टाइगर एंड द डियर एलिमेंट्स आर द एस्पेक्ट ऑफ द सेम क्रिएशन, उसी क्रिएशन का हिस्सा है टाइगर और डियर, यानी कि वही क्रिएटर है हमारा, गॉड है, जिसने एक टाइगर को बना दिया, जिसने एक लैम को बनाया, एक मेमने को बनाया, या एक डियर को बनाया। हाउ टू अपटर्न द प्रोसेस, व्हाट इज ब्यूटीफुल रिमेन्स इट नॉट सो अनटू द लास्ट, जो चीज सुंदर है जरूरी नहीं है कि वो लास्ट तक सुंदर बनी रहे, बट इट स्ट्राइक्स अस इज दिस दैट ब्यूटी इज थ्रॉटल एंड डिस्ट्रॉय अल्टीमेटली अनटाइमली। सॉरी, इसका मतलब यह कि जो ब्यूटी है, यानी कि यहां पर फिजिकल ब्यूटी की बात की जा रही है, कि वो थ्रॉटल हो जाएगी, मतलब वो डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाएगी। द माइटी बिलीविंग इन द विक्ट्री ऑफ स्वॉर्ड फिनिश इट ऑल इन प्रोवेस। सॉरी, कह रहा है कि जो व्यक्ति अपनी तलवार की ताकत पर भरोसा करते हैं ना, वो एक दिन क्या हो जाता है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। टेकिंग देम टिमिड एंड क्वार्डली, उनको हो सकता है कि बाद में एक कायर बन के भागना पड़े, एक टीम डरपोक बन के भागना पड़े, जो अपने तलवार की ताकत से जीतते थे। बट दैट डे टू इज नॉट फार फ्रॉम व्हेन द माइटी विल पेरिश इन देयर माइट, कहता वो दिन दूर नहीं है जब ताकत अपनी ताकत में ही मारे जाएंगे। दे विल अपीयर हेल्पलेस, वो बिल्कुल आपको हेल्पलेस नजर आएंगे बिफोर द विल हैव टू हैंग देयर स्वॉर्ड्स। ओके, मतलब वो बहुत हेल्पलेस नजर आएंगे, भले ही उनके पास में तलवार है, उनकी तलवार वो टंगी की टंगी रह जाएगी, लेकिन वो किसी काम नहीं आएगी और वो बहुत हेल्पलेस वो हो जाएंगे। अब आगे करते हैं, पोइम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन, पोइम जब शुरू होती है तो टाइगर का डिस्क्रिप्शन उसमें आता है। द टाइगर क्रॉचेज एंड स्लॉचेज ब्रिलियंटली थ्रू द ग्रीन फॉरेस्ट, जंगल में से वो धीरे धीरे अपने कदमों को रखता हुआ आता है। ओके, इट हैज ग्लीमिंग आईज, चमकती इसकी आंखें हैं, माइटली चेस्ट, बड़ा इसका चौड़ा सीना है, एंड सॉफ्ट साउंडलेस पॉज इसके, और सॉफ्ट इसके पंजे हैं, साउंडलेस है, वो आवाज नहीं करते हैं। The deer in the poem is just innocence. अब जो deer है इस poem के अंदर, वो innocence का symbol है, softness का symbol है, love का symbol है, deer. The killing of the deer by the tiger suggests the death and destruction of healthy values of life by the cruelty of modern civilization. और जो tiger है इसके अंदर, जिस तरीके से वो deer को मारता है, और किस तरीके से, मतलब वो death और destruction का symbol है, इसी तरीके से हमारी modern civilization में हो रहा है ना, कि जो ताकतवर इंसान है वो जो कमजोर है उसी तरीके से जैसे टाइगर डियर को मारता है, तो वैसे ही हमारे सिविलाइजेशन के अंदर जो कमजोर इंसान है उसको ताकत और लोगों के द्वारा दबाया जाता है। द पोएट क्लोजेस द पोइम विद द नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म, पोइम को वो एक ऑप्टिमिज्म, मतलब एक आशावादी तरीके से बंद करता है, पोइम को खत्म करता है। ही सेज दैट इन स्पाइट ऑफ द वेरियस ब्लोज ऑफ डेथ एंड डार्कनेस, की हमारे जीवन में भले ही जितनी मर्जी हमें मृत्यु का डर हो, हमारे जीवन में अंधेरा हो, लाइफ इज अ थिंग टू बी एंजॉयड, लाइफ हमेशा एंजॉय करने वाली चीज है। सफरिंग्स आर नॉट एटर्नल, दुख हमेशा रहने वाले नहीं है। ही टीचेस द लेसन दैट हु हार्म अदर्स विल बी डिस्ट्रॉयड लाइक द मैमथ, मैमथ जो बड़े बड़े विशाल जो होते थे ना जानवर, कह रहा कि जो भी किसी को नुकसान पहुंचाएगा, जैसे कि मैमथ पहुंचाते थे,
वो मारा जाएगा। द मैमथ शूक द प्लेन्स ऑफ एशिया वंस अपॉन अ टाइम, कहता है एशिया के अंदर कभी इतने भयानक बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे जो कि हो सकता है कि पूरे प्लेन्स को हिला देते थे, पूरे एशिया को। बट इट इज एक्सटिंक्ट नाउ, लेकिन अब ये लुप्त हो चुके हैं। सिंस द टाइगर किल्स एंड हार्म्स अदर एनिमल्स, जिस तरीके से कहता है कि जब तक ये टाइगर है वो छोटे जानवरों को मारता है, ओके, द सेम फेट ऑफ मैमथ वुड कम टू इट, यही होगा इस टाइगर के साथ में जो उन मैमथ के साथ में हुआ, यानी कि जिस प्रकार से वो मैमथ दूसरों को मारते थे खुद वो लुप्त हो गए, अब ये टाइगर भी एक दिन ऐसा होगा खुद लुप्त हो जाएगा। बट देन द डियर वुड ड्रिंक विदाउट एनी फियर, तब जो अपने हिरन है वो बिना किसी डर के पानी पिएगा, इन द कूल पाउंड, उस तालाब में से ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का। द पॉइंट ब्यूटिफुली टेल्स, बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताते हैं कि बहुत जल्द इस समाज से, इस सोसाइटी से बुराइयां खत्म होने वाली हैं और अच्छाई हमेशा के लिए रहने वाली है। जो गुड है, गुड इज परमानेंट बट द इविल इज टेम्परेरी, ओके। तो जब अपने इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको बहुत इसमें आनंद आने वाला, बहुत मजा आने वाला जब अपने इस पॉइंट को पढ़ेंगे। आई होप कि आपको पॉइंट का बैकग्राउंड समझ आया होगा, पॉइंट का बेस समझ आया होगा, ओके। आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स में बताते रहें आपको कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।